तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्टडी लाइव हंड्रेड पे वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये क्वेरी कर रहे थे बहुत दिनों से क्वेरी कर रहे हैं जब से फेज़ टू का एग्जाम खत्म हुआ था और मेरा चैनल स्टार्ट हो गया था और मैंने एस के ऊपर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी थी तो ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स वे आस्किंग मी हुए बिंग इन डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स लाइक एल आई सी असिस्टेंट बैंक पी ओ बैंक क्लर्क आई पी एस क्लर्क एस बी आई क्लक इवन ई पी एफ ओ एस एस ए सो ए लाट ऑफ़ कैंडिडेट्स वे आस्किंग मी सर विच जॉब शुड आई गो फॉर मुझे कौन सी जॉब जानी चाहिए और कौन सा बेहतर होगा मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ ला रहा था आप सबके लिए तो फाइनली मैं उस एक मोस्ट अवेटेड वीडियो में बोल सकता हूँ जो कि आप सब ईगरली वेट कर रहे थे इस वीडियो का कि कौन सी जॉब ज़्यादा बेटर है मेरे लिए और इसके लिए मैं डिटेल डि डि कंपैरिजन करने वाला हूँ आप सबके सामने डिटेल कंपैरिजन का मतलब ये है कि मैं बस ऐसा ही नहीं कि आया और बोल दिया कि ये जॉब अच्छी है आपके लिए मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा लास्ट में लेकिन मैं उसके पहले बताऊँगा डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं जिसपे मैं कैटेगराइज करने वाला हूँ जॉब्स को और क्या ऑप्शन uh, आपके लिए बेटर होगा ऐसा नहीं कि नहीं मैंने बोला या किसी और ने बोला आपको और अब सुन के चल दिए आपको खुद भी uh, आपका खुद भी एनालिसिस करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो की पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद भी लास्ट uh, में फ़ाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को दोस्तों तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बहुत ही बड़ा एनालिसिस करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स पर एनालिसिस करेंगे तो छोटी वीडियो नहीं होगी करीबन बीस मिनट की वीडियो जा सकती है इससे थोड़ी कम मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए बिकॉज कैंडिडेट्स भी तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम्स के लिए और बट ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं या फिर उनके लिए जो ज्वाइन आगे करने वाले हैं तो उनके लिए बहुत बेटर होने वाला है ये वीडियो तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंटर देखेंगे तभी आपको पूरा मालूम चलेगा एक एक एस्पेक्ट की बात करेंगे हम स्किप ना करें स्किप करेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर सकते हैं आप तो स्टार्ट करते हैं सो वाट आर वाट आर द जॉब्स वी विल बी कंपेयरिंग नाउ क्योंकि इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेरी आए हैं मेरे को तो मैंने अभी फिलहाल इसके ऊपर बनाया है तो चलिए मैं बताने वाला हूँ कि ई पी एफ ओ एस एस सी का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसका फेज़ थ्री का नोटिस आ चुका है ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को इसका एग्जाम होने वाला है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत वेट कर रहे हैं तो इसके इसका मैं कंपेयर करूँगा एलआईसी असिस्टेंट के साथ तो एल आई सी असिस्टेंट का जो Uh, मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स और कुछ दिनों बाद वेटिंग लिस्ट भी जारी होने वाली है तो उसमें भी ज्वाइन करने वाले हैं लोग बैंक पीओ की बात करूंगा बैंक पीओ में जिसमें कि आरआरबी पीओ और आईपीएस पीओ की बात करूंगा आईपीएस बैंक पीओ की बात करूंगा मैं एसबीआई बैंक पीओ की बात नहीं कर रहा हूं इसमें ध्यान रखेंगे आईपीएस पीओ आईडीबीआई पीओ इन सब जॉब्स की मैं बात कर रहा हूं ये जो लोकल लेवल पर जितने बैंक होते हैं उन पीओ की बात कर रहा हूँ और बैंक क्लर्क की बात करूँगा तो uh, इन जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अभी कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स होने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा जॉब बेटर होगा ठीक है दोस्तों तो पहला जो पॉइंट मेरा होगा दोस्तों वो होगा एक मिनट हाँ सो फर्स्ट पॉइंट विल बी सैलरी एंड रिवाइज सैलरी सैलरी जो अभी करेंट की सैलरी है और रिवाइज सैलरी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ कुछ जॉब्स में सैलरी बढ़ बढ़ने वाली है तो इसलिए मैं उसके बारे में बात करूंगा जो कि इंक्रीमेंट होने वाली है उसके लेके जॉब प्रोफाइल मतलब जॉब का नेचर क्या होने वाला है आप जिस जॉब में जाने वाले हैं वहाँ पे काम कैसा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पर भी डिपेंड करते हैं उनको लगता है कि हमें क्लर्क जैसा काम नहीं करना हमें ऑफिसर जैसा काम करना है तो उस बारे में बात करने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क नेचर होता है उसका वर्क लोड की बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ध्यान रखते हैं दैट वॉट नो हमको कितना ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है स्ट्रेस कितना होने वाला है क्योंकि हमें फैमिली को भी टाइम देना है पर्सनल टाइम देना है प्रोफेशनल टाइम देना है हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है तो उस उन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे वर्क इन्वा इन्वायरमेंट की बात करेंगे कि आपका जो जहाँ पर आप काम करने वाले हैं वो कितना फ्रेंडली होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी पर, पर, तो नहीं होने वाली आपको पोस्टिंग की बात करेंगे कि किस सिटी में पोस्टिंग होगी कहाँ बैंक में कहाँ पोस्टिंग होती है एस में कहाँ पोस्टिंग होती है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि ग्रोथ एंड प्रमोशन है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको देखने वाले हैं तो मैं और मैं ट्रांसफ़र की बात करने वाला हूँ तो इन सारी चीज़ों में जो मुझे लगता है कि जिस पर कैंडिडेट्स का बहुत ध्यान रहने वाला है वो सैलरी पे वर्क लोड पर भी ध्यान रहने वाला है बहुत सारे कैंडिडेट्स का एंड पोस्टिंग को लेकर एंड प्रमोशन को लेकर या जो भी ग्रोथ होता है तो उन इन सारी चीज़ों पर मैं डिटेलली चर्चा करने वाला हूँ तो चलिए आगे देखते हैं पहली बात है, है सैलरी की बात कर लेते हैं सैलरी को लेके मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं तो मैं पहले बता दूं आपको ओवरव्यू सैलरी कितनी होने वाली है मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूँगा इनहैंड सैलरी की बात नहीं करते हैं दोस्तों बिकॉज ग्रॉस सैलरी में आपका जो भी होता है वो ग्रॉस सैलरी आपका पूरा आपका ही पैसा होता है इनहैंड का मतलब यह है कि जो आपको हाथ में मिलने वाला है जो आपके नेट अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है बट ग्रॉस सैलरी इज़ द फाइनल सैलरी जो आपको ओवरऑल मिलता है अलाउंसेस को मिला के डिडक्शंस को भी इंक्लूड करके होता है ये तो ई पी की बात करते हैं जो रिवाइज सैलरी है ई पी की वो ट्वेंटी बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट था ट्वेंटी फोर हंड्रेड जी पी उनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है बट मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऑलरेडी ये डाउट क्लियर कर दिया है कि ट्वेंटी एट हंड्रेड्रेड्रेड्रेड ग्रेड पे पे आने वाला है ई पी एफ जिसके बाद आपकी बेसिक जो है वो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड हो जानी है ठीक है दोस्तों तो इसको आप अगर आप मैं मिनिमम बात करूँ किसी भी एक्स या वाई सिटी में तो आपकी जो ई पी की सैलरी है वो अराउंड फोटी के होने ही वाली है फोर्टी के से कम नहीं होगी ई पी की सैलरी ठीक है दोस्तों तो ये हो गया आपका फोटी के एल आई असिस्टेंट की बातें करते हैं एल आई में जो जो कुछ कुछ दिन पहले जो सैलरी थी वो अराउंड ट्वेंटी सेवन के के अराउंड आ रही थी बट अभी क्योंकि सुनने में आया है कि एल की भी वेज uh, सेटलमेंट uh, होने वाला है कुछ महीनों में तो जो सैलरीज की होने वाली है वो थर्टी के हो जाने वाली है वहीं बैंक पीओ की बात करते हैं जिसमें कि आरआरबी पीओ आईपीएस पीओ आता है आई डी बी आई पी ओ आता है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स आते हैं इसमें जो बात करते हैं तो फिफ्टी वन के ये अभी एलेवन बी बी एस जो जो ऑलरेडी लागू हो चुका है तो उसके बाद की सैलरी है फिफ्टी वन के वहीं बैंक लड़क की बात करते हैं तो थर्टी के के अराउंड आपकी सैलरी होने वाली है तो यहाँ पर आपने देख लिया है बैंक सैलरी की मैंने बता सैलरी के बारे में बता दिया मैंने कि सैलरी कितना होने वाला है आपका अभी सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए ये है आपका ई पी एफ ओ एस एस ए का सैलरी स्लिप सैलरी स्ट्रक्चर इसको ले मैंने सैलरी स्लिप डाल दी है तो उस वीडियो का अगर नहीं देखी आपने तो मेरे प्ले लिस्ट में जाएँ ई पी एफ uh, ओ एस uh, एस ए प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पर आपको इसकी सैलरी स्लिप uh, मिल जाएगी ऑलरेडी और ये मैंने ट्वेंटी एट हंड्रेड गेट पे के हिसाब से बनाया है तो आप देख सकते हैं कि फ़ोर्ट वन थाउज़ेंड फाइव हंड्रेड एट्टी टू जो है इन हैंड मिल रहा है आपको और जो ग्रॉस की बात करें तो फोर्टी फाइव थाउजेंड मिल रहा है यह है एक्स सिटी की बात हो रही है वाई सिटी में आपको फोर्टी थ्री के राउंड मिलने वाला है अब देखते हैं हम एल आई असिस्टेंट की एल आई का मैंने ये सैलरी स्ट्रक्चर बनाया है आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीन शॉट ले लें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेकर देख सकते हैं कि जो आपका डिडक्शन होने के बाद अराउंड जो सैलरी होने वाला है वो अराउंड थर्टी के होने वाला है ये थोड़ा कम हो गया क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है तो आपका अराउंड थर्टी के इसके सैलरी होने वाली है वहीं बैंक पीओ की बात करते हैं बैंक पीओ की भी मैंने सैलरी स्लिप डाली हुई है एल आसी की भी सैलरी स्लिप डाली हुई मैंने तो इन सारी चीज़ों की सैलरी स्लिप आप मेरे प्ले में जाकर देख सकते हैं सैलरी स्लिप का एक प्ले बना हुआ है वहाँ पर मैंने बैंक पीओ का और बैंक क्लर्क का भी सैलरी स्लिप डाला हुआ है तो ये हो गया नेट सैलरी बैंक पी का और वहीं क्लर्क की बात करते हैं तो अराउंड थर्टी के आपका होने वाला जो कि मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया है अब बात करते हैं एक और भी इस एस्पेक्ट में जो कि जॉब प्रोफाइल व्हाट वर्क आर यू गोइंग टू डू ठीक है दोस्तों तो चलिए इस पर बात करते हैं ई पी की बात करते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अगर आपने नहीं देखे उस वीडियो को ई पी जॉब प्रोफाइल पार्ट वन पार्ट टू मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी इसमें मैंने डिटेल में चर्चा की है और उसमें मैंने ट्रांसफ़र पॉलिसी की भी बात की है कि ट्रांसफ़र कैसे मिलने वाला है आपको तो उस उस चीज़ उस वीडियो का आप वहाँ से देखें ई पी का मैंने सारा चीज़ दोस्तों बना दिया है वीडियो सारा वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लें आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बार बार मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा इससे बेटर है कि आप जाके देख लें ई पी एस एक्स बता दूँ कि ये क्लर्क टाइप का जॉब होगा जॉब होगा आपके लिए ऑफिसर टाइप का ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला आपको हम बात करते हैं लाइस असिस्टेंट की ये भी सिमिलर टू बैंक क्लर्क ही होता है जो कि थोड़ा वर्कलोड थोड़ा कम होता है यहाँ पर असिस्टेंट कैसे बन जाते हैं आप सिंगल विंडो ऑपरेटर होता है कस्टमर सर्विस होता है मतलब कस्टमर के जो ग्रेवेंसिस होते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको हैंडल करना होता है डॉक्यूमेंट हैंडलिंग करना होता है बैक एंड ऑफिस वर्क होता है आपको जो जो भी आपके सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है ट्रांजेक्शन को आपको हैंडल करना पड़ता है तो ये हो गया बैंक सॉरी एस आई सी असिस्टेंट का वही बैंक पी ओ की बात करते हैं बैंक पीओ में आपको जब प्रोबेशन का टाइम रहता है स्टार्टिंग में जो आई थिंक दो साल का प्रोबेशन पीरियड होता है दो साल के अंदर आपको तो पहले तो हर काम सिखाया जाता है बिकॉज़ आपको एक लर्निंग फेज़ होता है आपके लिए तो आपको सारा काम करना पड़ सकता है क्लर्क वाला भी काम करना पड़ सकता है ऐसा नहीं सोचना है कि यार हम क्लर्क हम तो पीओ ज्वाइन किए हैं तो हमें क्लर्क वाला काम क्यों करवा रहे हैं बिकॉज वो लर्निंग फेज़ है दोस्तों आपको काम करना ही पड़ेगा मेरे खुद भी कई सारे फ्रेंड्स ज्वाइन कर चुके हैं मैंने भी क्रैक किया हुआ एग्ज़ाम तो मुझे पता है और इसलिए मैं बैंक पी नहीं गया था मुझे एक्चुअली ई ए एस ओ में मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो मैंने ए एस ओ ज्वाइन कर लिया है वहीं बैंक पी ओ की बात करते हैं तो आपको क्योंकि आप कुछ जब आप कन्फर्म हो जाएंगे कन्फर्मेशन हो जाएगा आपको तो आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिल जाएगा उसके बाद आपको जो है बैंक के डेवलपमेंट के लिए देखना पड़ेगा इंक्रीजिंग बैंक बिज़नेस तो बैंक बिज़नेस जिससे इंक्रीज़ होता है क्योंकि आजकल बैंक बहुत कंपटीशन में है एक दूसरे के साथ तो आपको आपका अपना परफॉर्मेंस हमेशा हाई रखना पड़ता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वाला काम मिलता है जिसमें आपको कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करना पड़ता है वहीं बैंक की बात करते हैं तो बैंक क्लर्क इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एल असिस्टेंट आप इसकी वीडियो मैंने जो एक कम्पेरिजन uh, दिया था ई पी एफ ओ एस वर्सेस आई पी क्लर्क की वीडियो मैंने बनाई थी बैंक क्लर्क की वीडियो स्टार्टिंग में तो उस वीडियो को देख लेंगे वहाँ पे मैंने ई पी एफ ओ एस एस वर्सेज बैंक क्लर्क का कम्पेरिजन बहुत ही ब्यूटीफुल वे में किया है तो उस वीडियो को जाके देखेंगे आप वर्किंग आवर्स की बात करते हैं वर्क लोड कितना होता है इसकी बात हम यहीं करने वाले हैं और वर्क इन्वायरमेंट कैसा होने वाला है जहां आप काम करेंगे वो इन्वायरमेंट किस तरह का होने वाला है तो मैं ई पी एफ ओ एस एस ए की बात बता दूँ आपको दस बजे आते हैं और छः बजे आपको चले जाना है मतलब छः बजे भी बहुत ज़्यादा होता है मैं कहूँगा फाइव थर्टी में ही ई पी एफ ओ एस एस ए चले जाते हैं घर अपने वही लंच टाइम की बात करते हुए मात्र आधे घंटे यहाँ पर लिखा है ऑफिशियल टाइम है बट ये एक्सटेंड हो जाता है एक घंटे तक लेते हैं ठीक है दोस्तों वही डेज़ ऑफ़ की बात करते हो सैटरडे संडे दोनों ऑफ़ है ध्यान रखेंगे सारे सैटरडे संडे ऑफ़ है ये नहीं कि किन्न एंड फोर्थ सैटरडे ठीक है और सैटरडे संडे ऑफ़ मिलने वाला है आपको ठीक है दोस्तों ई पी एफ ओ एस एस ए की बात हो गई है अब बात करते हैं एल आई असिस्टेंट की वर्क टाइमिंग यहाँ पे काफ़ी कम है साढ़े दस बजे से आपको साढ़े पाँच बजे तक ही काम करना है मतलब समझ लीजिए सात घंटे का आपका आ, है ये काम करना पड़ता है आपको वहीं फोर्टी फाइव मिनट्स का आपका लंच टाइमिंग होता है सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है यहाँ रखेंगे बैंक 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 में और एल आई सी में असिस्टेंट में आपको सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ होने वाला और संडे ऑफ होने वाला है वहीं ई पी एफ ओ एस एस ए में आपको दोनों ही सैटरडे संडे ऑफ मिलने वाले हैं बैंक पीओ के वर्क टाइमिंग की बात करें तो 9:45 से छः बजे तक आपको रहना पड़ता है क्योंकि आप मैनेजर हैं तो होते हैं तो आपको क्लर्क uh, चले आते हैं पाँच बजे तक क्लर्क थोड़ा लेट भी आते हैं लेकिन पाँच बजे तक चले भी आते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा काम नहीं होता है उनको अपने टाइम जो उनका फिक्स है उसके अंदर ही काम करना पड़ता है लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रुकना पड़ता है बैक एंड ऑफिस वर्क के लिए बहुत सारा काम देखना पड़ता है तो जिसकी वजह से आपका जो वर्क टाइमिंग है थोड़ा बढ़ जाता है बैंक पी में वही मैं बात करता हूँ वर्क लोड की डेफ़िनेटली बैंक पी में सबसे ज़्यादा वर्क होने वाला है बहुत ज़्यादा हैवी वर्क लोड होता है बहुत सारा बिजनेस देखना पड़ता है आजकल बैंक कॉम्पिटिशन में है तो बिजनेस बढ़ गया बैंक बैंक्स का तो बैंक का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो ई पी एफ एस एस ए बात करें तो सुनने में आपको बहुत ज़्यादा आया हुआ हो कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसकी वजह से बहुत रस रहता है ऐसा नहीं है दोस्तों कस्टमर हैंडलिंग का जो काम डिपार्टमेंट होता है वो ग्राउंड फ्लोर पर जो पहला डिपार्टमेंट होता है पी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वहीं पर हैंडलिंग होता है जहाँ पे दस बार डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एस एस रहते हैं बस वही हैंडल करते हैं बाकी ई पी में जो वर्कलोड है वो कम्पेटिवली बहुत कम है ऐसे असिस्टेंट में भी कम्पेटिवली कम है बट ई पी एफ ओ एस थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है आपको वहीं बैंक की बात करते हैं तो ऑफिस आवर्स में आपको रस देखने को मिलेगा कस्टमर्स बहुत सारे बड़े रहते हैं आप बैंक में जाके देख लें नहीं गए कभी तो देख लें वैसे आप लोग गए होंगे बैंक में तो देखा ही होगा आप लोगों ने कि कितना ज़्यादा रस रहता है बैंक लड़के बैंक में जाके ठीक है दोस्तों तो मैंने वर्कलोड बता दिया है अब बात करते हैं जॉब पोस्टिंग की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने वाला है बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पर हमेशा आपदर करते हैं कि बैंक पोस्ट मतलब हमें जॉब जो कर रहे हैं वहाँ पोस्टिंग कहाँ मिलेगी बिकॉज ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है इनफैक्ट हमको देखना पड़ता है कि सिटी में हम बहुत लोगों को सिटी में जाने में दे आर नॉट being कम्फर्टेबल इन यू नो मूविंग टू द रूरल एरियाज़ तो ई पी में जो uh, आपकी पोस्टिंग होने होती है दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ रीजनल ऑफिस में आपको पोस्ट किया जाएगा ठीक है और जो रीजनल ऑफिस होता है वो एक, एक स्टेट में यू नो वन देर विल बी फोर टू फाइव यू नो सिटीज़ जो कि वाई सिटीज़ में काउंट होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही वाई सिटीज़ में आएंगे तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वह तो सिटी में होगी या तो अर्बन यू you नो know, अर्बन, अर्बन एरियाज़ में ही होगी आ, विलेज में आपको नहीं मिलेगा पोस्टिंग ध्यान रखें यह बहुत अच्छी बात है कि विलेज में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगा आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी वहीं एल आई की बात करते हैं हाँ दोस्तों ई पी में कोई भी फीमेल कोई प्रे, आ, प्रेफरेंस नहीं दी जाती है ठीक है दोस्तों आपका रैंक जो भी आएगा उसके बेसिस पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा ठीक है एल आई असिस्टेंट की बात करते हैं तो आपको सेमी अर्बन एरियाज में ही भेजा जाएगा सेमी अर्बन एरियाज़ का मतलब हो गया कि विलेज से थोड़ा बेटर होगा आपके लिए और वो सिटी भी नहीं होगा तो आपको ठीक ठाक फैसिलिटी मिल जाएगी वहीं बैंक पी और बैंक क्लर्क की बात करते हैं तो आपको सेमी अर्बन एरियाज़ रूरल एरियाज में ही स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पोस्ट स्टार्टिंग में पोस्टिंग post पोस्टेड किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बहुत सारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं तो सबको सिटी में नहीं भेज सकते अर्बन एरियाज़ में नहीं भेज सकते हैं तो इसलिए आपका जो आपको जो भेजा जाएगा वो सेमी अर्बन एरियाज में ही भेजा जाएगा या फिर रूरल एरियाज़ में आरआरबी पी में तो रूरल एरियाज में ही जाना है जाना आपको वहीं नेशनलाइज बैंक की बात करें तो आपको सेमी अर्बन एरियाज़ में भेज सकते हैं वहीं आई डी की बात करें तो आपको कंपेटिवली बेटर सिटी में आपको पोस्ट किया जाएगा ठीक है दोस्तों तो आई डी में आप आ, बेटर सिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये मैंने बता दिया पोस्टिंग को लेके हाँ पोस्टिंग को लेकर मैं बता दूं कि बैंक्स में जो है पोस्टिंग आ, जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है जो मैरिड फीमेल होती हैं उनको आ, उनका जो अपना इन लॉज का होम होता है उसके नज़दीक मिल जाती है पोस्टिंग वहीं फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो कि अनमेरिड हैं उनको अपने जो घर के पास पोस्टिंग मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक है दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको अब बात करते हैं ग्रोथ एंड प्रमोशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके बेसिस पे ही जाना चाहते हैं कि प्रमोशन कहने मतलब ग्रोथ कैसा होने वाला है आपका फ्यूचर में ठीक है तो पहले मैं ई पी एफ एस की बात कर लूँ जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोज ला चुका हूँ तो इस वीडियो को आप इस एस्पेक्ट को वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं यहाँ पर मैं ओवरव्यू बता दे दूँ आपको कि जो स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करेंगे तो चार साल के बाद जो एट्टी परसेंट जो भी सिलेक्टेड लोग होंगे वो सीनियर एस में प्रमोट कर दिए जाएंगे और बाकी बीस परसेंट लोगों को यू नो ग्रेड पे इंक्रीमेंट मिलेगा बट उनका प्रमोशन नहीं होगा ठीक है दोस्तों उसके बाद चार साल के बाद आप इनफैक्ट एलिजिबल हो जाते हैं एस एस सिक्सन सुपरवाइज़र और ए ओ ई एग्ज़ाम के लिए तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराई जाती है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जा सकते हैं बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है एस एस सीनियर एस एस ए बनने के बाद क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो कंपटीशन uh, बढ़ जाता है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है थोड़ा प्रमोशन मिलने में तो एक यहाँ पे मैंने बता दिया प्रमोशन थोड़ा स्टेगनेटेड है स्टेगनेटेड का मतलब थोड़ा लंबा खींच सकता है ए uh, ओ बनने में ठीक है दोस्तों एल आई असिस्टेंट की बात करते हैं तो आफ्टर फाइव ईयर्स यू विल बिकम एच जी एट डेट इज़ हायर ग्रेड असिस्टेंट यू नो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो कि ए का पोस्ट ऑलरेडी आप देखते होंगे जो कि सिलेक्टेड होते हैं तो ए के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं ठीक है वही बैंक पीओ की बात करते हैं तो बहुत अच्छा सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ यही हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आप पीओ बनते हैं उसके कुछ सालों में बाद आप स्केल टू स्केल थ्री चीफ मैनेजर ए तक भी जाते हैं और आगे भी जा सकते हैं ठीक है वही बैंक लग की बात करते हैं तो आप तीन साल तक आपको काम करना पड़ता है एज ए बैंक लर्ग उसका तीन साल का एक्सपीरियंस होने के बाद यू आर नो यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम सी ए आई बी एंड जी ए आई वी जो कि बैंकिंग जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसके उसका टेक्निकल ऑफिसर्स बन जाते हैं टेक्निकल ऑफिसर बनने के बाद आप कुछ सालों में आपका प्रमोशन होकर पी ओ बन जाते हैं उसके बाद आप जो नॉर्मल पी ओ का प्रमोशन होता है वैसे ही आपका प्रमोशन होने वाला है तो अपॉर्चुनिटीज बैंक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बैंक पी एंड बैंक क्लर्क इज़ द बेस्ट ओके दोस्तों बैंक पी एंड बैंक क्लर्क इज़ बेस्ट अभी हम बात करते हैं जॉब ट्रांसफर की ट्रांसफर कहाँ मिलने वाला है आपको ट्रांसफर कैसा होने वाला है ई पी एफ एस की बात करते हैं तो इंटर स्टेट और इंटरस्टेड इंटरस्टेट हो गया दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं और अप्लाई कर दिया आपने मुंबई से ठीक है तो मुंबई में ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी ठीक है मुंबई में ही पोस्टिंग किया जाएगा आपको मुंबई से मुंबई के अंदर जितने भी आर हैं रीजनल ऑफिसेस है वहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी एक दो साल में आप इंटर मतलब मुंबई के अंदर जितने भी आर ओ हैं उनके बीच आपको ट्रांसफ़र करने का मौका मिल सकता है चाहे तो आप ले सकते हैं नहीं चाहे तो आपको नहीं लेना है लेकिन आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं मुंबई गया और मैं बिहार के किसी आरो में आ जाऊँ जैसे कि आरो पटना में आ जाऊँ तो वो नहीं होता है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ आपको लाइफ टाइम वंस इन वंस इन सर्विस आपको फ़ाइव प्लस टू मैक्मम मैं मैंने बताया था पहले भी आपको फ़ाइव प्लस टू मतलब पाँच साल के लिए आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है किसी दूसरे स्टेट में और दो साल तक एक्सटेंड मैक्सिमम दो साल तक एक्सटेंड किया जाता है तो सेवन ईयर्स मैक्सिमम आपको किसी और स्टेट में पोस्टिंग मतलब पोस्टिंग कर दिया जाता है तो ये हो गया ट्रांसफ़र की बात ई पी एफ ओ एस एस ए के लिए ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं एल आई सी असिस्टेंट में तो स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड रहता है आपका एक साल तक छः महीने से एक साल तक एक्सटेंड किया जाता है ठीक है दोस्तों उसके बाद तीन साल तक आपको एक प्लेस में रहना ही पड़ेगा तीन साल के पहले आपको कोई प्रमोशन कोई भी ट्रांसफर नहीं मिलने वाला है तो अगर ये सोच रहे हैं कि मैं जाकर ट्रांसफर ले लूंगा कहीं कि किसी और जगह पर तो आपको नहीं मिलने वाला है उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ट्रांसफर के लिए इसके लिए मैंने एल आई की एक असिस्टेंट की प्रोफाइल बनाई प्रोफाइल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में चर्चा की है उस वीडियो का जब जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा वैसे मेरे प्लेलिस्ट में भी है तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं वहीं बैंक पे की बात करते हैं तो बैंक पीओ में जो होता है स्टार्टिंग के दो साल में आपको तीन तीन बार जो मिनिमम ट्रांसफर किया जाता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में उसी सेम स्टेट में आपको ट्रांसफर किया जाता है ध्यान रखें सेम स्टेट में ही किया जाएगा मोस्टली uh, चांसेस है कि आपको पोस्टिंग जो मिलेगी आपके स्टेट में मिल जाएगी जो आपको प्रेफरेंस मांगा जाता है लेकिन स्टार्टिंग के दो साल में आपको ट्रांसफर किया जाएगा दो तीन चार बार ठीक है ये कंपलसरी है इसमें कोई आप आप रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है आपको उसके बाद आप तीन साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ट्रांसफ़र के लिए आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है एचआरएम पॉलिसी थोड़ी रिलियंट है तो आपको मिल जाएगा वहीं बैंक की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलता है इसमें भी सेम पॉलिसी है ट्रांसफर पॉलिसी है तीन साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं ट्रांसफ़र के लिए तो ये तो मैंने बता दिया है अब हम बात करते हैं ओवरऑल कंपेरिजन की ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया तो ये ओवरव्यू होने वाला है और मेरा ओपिनियन क्या है तो वो मैं बता देता हूँ ठीक है दोस्तों आपको चलिए दिखाते हैं सैलरी में सबसे बेस्ट है बैंक पी मैं बता चुका हूँ आपको बहुत ज़्यादा सैलरी है तो अगर आप सैलरी की सैलरी को देख के जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बैंक पी में ही जाएंगे दोस्तों कहीं और ना जाए अगर बैंक पी में सेलेक्ट हो गए हैं तो आप बैंक पी में जाएँ प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऑफ़िसर जैसा जॉब मिलेगा आपको प्रमोशन ऑफ़िसर जैसा नेचर है रिस्पेक्ट ज़्यादा है बैंक पी की किसी भी बैंक पी में जाएंगे आप चाहे वो आर आर बी पी ओ क्यों ना हो आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी ए पी एफ ओ एस एस के मामले में भी वर्कलोड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्कलोड तो बैंक पी में रहेगा ठीक है फैमिली टाइम थोड़ा कम दे पाएंगे आप लेकिन सबसे कम जो वर्कलोड रहने वाला है मेरे हिसाब से वो ई पी एफ ओ एस एस एम ही रहने वाला आपके लिए ठीक है दोस्तों पोस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि ई पी एफ ओ एस एस ए में पोस्टिंग सबसे बेटर प्लेस में मिलती है क्योंकि आपको गाँव में नहीं जाना पड़ता है ठीक है बेस्ट ये है आपके लिए क्योंकि आपका फ्यूचर भी आपको देखना पड़ता है वहीं ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो ग्रोथ एंड प्रमोशन सबसे बेस्ट बैंक पी ओ है ठीक है दोस्तों बैंक पी ओ है उसके बाद बैंक क्लर्क है उसके बाद एल आईसी असिस्टेंट बोल हैं ई पी एस एस ए बोलते आप तो ग्रोथ एंड प्रमोशन को आप एस्पेक्ट बना के चल रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है बैंक पी ओवरऑल मैं चर्चा करूँ तो ओवरऑल जो मेरे हिसाब से बेस्ट पिक रहने वाला है आपके लिए अगर आप बैंक पी ओ में सिलेक्टेड हैं अगर आप यू फ्यू आर सेलेक्टेड इन बैंक पी ओ दैन यू शूड डेफिनेटली गो फॉर बैंक पी यू एंड अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसी में काम करते रहें ई पी एफ ओ एस एस ए में ना जाए वहीं में वहीं अगर बैंक क्लर्क में हैं आप तो मैं आपको कहूँगा कि आप चूज़ कर लें आपके मैंने जो भी बताया है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर होने वाला है ठीक है दोस्तों तो ये मैंने ओवरऑल बता दिया है आपको कि किस तरह का एक ओवरऑल कंपेरिजन होता है क्योंकि मैं खुद भी एक्सपीरियंस है मुझे काम करने का मेरे बहुत सारे दोस्त ट्रस्ट मी फ्रेंड्स ए लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर वर्किंग इन बैंक प्यू एल असिस्टेंट एंड बैंक क्लर्क एज वेल ई पी एफ ओ खुद काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है बेटर वे में कि क्या है नहीं है तो ये मैंने आपको अपना एनालिसिस बताया है अगर आपको कोई भी डाउट है इसको लेके ले ठीक है कोई भी डाउट है आपको अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं कोई डाउट होने होना चाहिए बट कैंडिडेट्स को डाउट होता है वो ऑबियस है तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू नो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लें टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है स्टडी लाइव हंड्रेड स्टडी मैं लिख देता हूँ स्टडी लाइव हंड्रेड अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी करें दोस्तों डिसलाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई तकलीफ नहीं इस बात से आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी है वीडियो को शेयर करें अपने सारे ग्रुप्स में चाहे वो बैंकिंग ग्रुप्स हो ई का ग्रुप हो या एल का ग्रुप हो जो भी ग्रुप हो वहाँ पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलैकन को प्रेस कर लें क्योंकि मैं आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वीडियोज़ लाने वाला हूँ Uh, सारे कैंडिडेट्स uh, के लिए जो कि बैंकिंग कैंडिडेट्स हैं या ई पफ ओ कैंडिडेट्स हैं ए ओ के कैंडिडेट्स हैं सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होती है मेरे चैनल में कोई भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके बेनिफिशियल आपके लिए ना हो ठीक है दोस्तों तो प्रिपरेशन uh, करते रहिए और uh, बताते रहें अपना जो भी आपको एक्सपीरियंस है काम करने का मुझसे शेयर करें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके लिए बेटर होने वाला है ऑलरेडी मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेरे जो भी दोस्त काम कर रहे हैं कहीं भी तो उनसे मैं पर्सनली बात भी कराता हूं ताकि उनको एक ग्राउंड नो रियलिटी मिले कि क्या है नहीं है ठीक है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों थैंक यू